हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस हर्ष कुमार सिंह। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कैंपस का, कि कौन सा कॉलेज का अपना कैंपस है। तो इससे इसको बात करने से पहले मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। ओके, सबसे पहला कि वैसा कॉलेज जिसके पास अपना कैंपस है, ओके, और दूसरा वो जिसको कोरोना खत्म हुई जब कॉलेज स्टार्ट होगा तो उसको कॉलेज अपना मिल जाएगा, मतलब अपना कैंपस मिल जाएगा। और तीसरा वो जो अभी किसी टेम्पोरेरी जगह पढ़ाई हो रहा है, तो जब किसी और जगह पर पढ़ाई हो रहा है तो उसका बहुत ज्यादा लिस्ट है, तो उसके बारे में नहीं बात करेंगे। मैं बात करने वाला हूँ किस कॉलेज का अपना कैंपस है और उसमें हॉस्टल है कि नहीं, और हॉस्टल है तो कितना बॉयज का सीट है और कितना गर्ल्स का सीट है, और नंबर ऑफ हॉस्टल कितना है। तो ये तीन चीज का बात करेंगे। और दूसरा वो कि कौन से कॉलेज को अपना कैंपस कब मिलने वाला है, ओके, तो जिसका कैंपस बनकर तैयार हो चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अपना कैंपस के मामले में सबसे पहला आता है हम लोग का MIT, मुजफ्फरपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये सबसे पहले बना था। ओके, तो इसके बारे में जानते हैं। इसमें बॉयज हॉस्टल 7 बॉयज हॉस्टल है और एक गर्ल्स हॉस्टल है, जिसके अंदर बॉयज का कैपेसिटी है 791 और गर्ल्स का कैपेसिटी है 102। अगर बात करते हैं भागलपुर का, तो इसका भी अपना कैंपस है और काफी बड़ा कैंपस है, तो जिसमें 4 बॉयज हॉस्टल है और 1 गर्ल्स हॉस्टल है। ओके, जिसमें कैपेसिटी है 391 का बॉयज का और 190 है गर्ल्स का कैपेसिटी। लेकिन अगर बात करते हैं गया का, तो जिसमें 1 बॉयज है 1 गर्ल्स है, मतलब एक हॉस्टल है बॉयज का और एक हॉस्टल है गर्ल्स का, जिसमें कैपेसिटी है 153 बॉयज का और 153 गर्ल्स का। तो अगर बात करते हैं मोतिहारी का, तो मोतिहारी में 2 बॉयज हॉस्टल है और 1 गर्ल्स हॉस्टल है। ओके, जिसमें 340 है आप लोगों का बॉयज मतलब कैपेसिटी और 150 है गर्ल्स कैपेसिटी। अगर बात करते हैं नालंदा का, ओके, तो नालंदा में है 3 बॉयज हॉस्टल और 1 गर्ल्स हॉस्टल, जिसके अंदर 556 बॉयज का रेशियो है, सॉरी मतलब कैपेसिटी है, और 156 गर्ल्स का कैपेसिटी है। और ये सबसे बेस्ट कॉलेज है, मतलब हॉस्टल को देखो या फिर इन्वायरमेंट को देखो या फिर सराउंडिंग को देखते हुए अगर आप बात करते हो साफ सुथरा वगैरह में सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा है, तो मैं नालंदा को बोलता हूँ। और गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट कॉलेज में अगर कोई हमसे पूछे, तो मैं उसको दूंगा नालंदा का सजेशन कि आप नालंदा में जाओ, क्योंकि वो सबसे सेफेस्ट है और काफी अच्छा कॉलेज है। ओके, तो अब बात करते हैं छपरा का। तो छपरा में आपको 4 बॉयज हॉस्टल मिल जाएगा और 1 गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएगा, जिसके अंदर कैपेसिटी है 340 बॉयज का और 150 है गर्ल्स का। तो ये रहा कैपेसिटी। और बात करते हैं सुपौल का। सुपौल में 2 बॉयज हॉस्टल है और 1 गर्ल्स हॉस्टल है, ओके, तो जिसके अंदर 400 बॉयज का रेशियो है और सॉरी मतलब कैपेसिटी है और 105 गर्ल्स का कैपेसिटी है। तो अगर बात करते हैं पूर्णिया का, तो पूर्णिया में 2 बॉयज हॉस्टल है और 1 गर्ल्स हॉस्टल है, जिसके अंदर कैपेसिटी है 400 बॉयज का और 105 गर्ल्स का। अगर बात करते हैं कटिहार का, तो कटिहार में भी वही है, 2 बॉयज हॉस्टल है और 1 गर्ल्स हॉस्टल है, जिसके अंदर कैपेसिटी है 400 बॉयज का और 105 गर्ल्स का। तो ये रहा हम लोगों का जिसके पास अपना कैंपस है। और अब बात करते हैं किसको अपना कैंपस मिल जाएगा, जिसका बन के तैयार हो चुका है लेकिन मिलने में थोड़ा सा अभी टाइम है, मिलने का टाइम इन द सेंस कि कॉलेज खुलेगा और आपको उसी कॉलेज में एंट्री होगा। तो वैसे में सबसे पहला हम लोगों का बख्तियारपुर, दूसरा है सहरसा, तीसरा है शेरसा, चौथा है मधेपुरा, ओके, अभी फिलहाल वही है। अब बाकी जो वैशाली वगैरह है, जमुई है, ये सब भी बना है, लेकिन इसको मिलने का टाइम है अगस्त 2020 में, मतलब ये वाले में अगस्त में मिलने वाला है, ठीक है, तो इसलिए मैं इसका नहीं बात करूंगा। लेकिन अगर बात करते हैं जिसको अपना अपना कैंपस मिलने वाला है, तो वह बख्तियारपुर। तो बख्तियारपुर में भी आपको 2 बॉयज हॉस्टल मिल जाएगा और 1 गर्ल्स हॉस्टल मिल जाएगा, जिसमें 400 मतलब कैपेसिटी होगा बॉयज का और 105 कैपेसिटी होगा गर्ल्स का। अगर बात करते हैं इसका शेरशाह का, तो शेरशाह भी जाते ही आपको मिल जाएगा, कॉलेज खुलते हैं ये सबसे पहले यही मिलने वाला है आपको। तो इसमें आपको 2 बॉयज मिलने वाला है गर्ल्स और 1 गर्ल्स हॉस्टल मिलने वाला है, ओके। तो शेरशाह का बात बोले, तो इसमें भी आपको 400 बॉयज का कैपेसिटी मिलेगा और 105 गर्ल्स का। अगर बात करते हैं सहरसा का, तो सहरसा में भी वही है, मतलब मिलने वाला है 2 बॉयज हॉस्टल है और 1 गर्ल्स हॉस्टल है, ठीक है, जिसमें 400 लड़के रह सकते हैं और 105 लड़कियां रह सकती हैं। अगर बात करते हैं मधेपुरा का, तो मधेपुरा में भी वही हाल है, जिसमें 1 गर्ल्स हॉस्टल है और 2 बॉयज हॉस्टल है, ओके, तो ये आपको मिल जाना चाहिए इतना ही रेशियो। लेकिन अगर बात करते हैं किसको मतलब ये अगस्त तक मिल जाएगा, नेक्स्ट अगस्त तक मिल जाएगा, तो उसमें है वैशाली, जमुई, बांका, नवादा, किशनगंज, अररिया, मुंगेर, चंपारण और औरंगाबाद। ये सभी का मतलब आधा बना हुआ बिल्डिंग और आधा बन गया है,
ठीक है। लेकिन इसके बाद का अगर बात कॉलेज बोलोगे तो अभी पढ़ाई हो रहा है, जैसे कि अगर बक्सर भोजपुरी ये बन रहा है, लेकिन इसका पढ़ाई होगा कहाँ पे, बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। ओके, तो ये चीज है। तो अगर बात करते कि सबसे बेस्ट, अगर कैंपस का बात बोलते हो कि सबसे अच्छा कैंपस किसका है, तो सबसे अच्छा कैंपस मैं बोलूंगा नालंदा का है, उसके बाद मैं बोलूंगा मोतिहारी का, उसके बाद MIT का, उसके बाद भागलपुर, फिर आ जाओ गया, फिर आ जाओ छपरा, फिर सुपौल, फिर पूर्णिया, कटिहार। एक और चीज, सुपौल मेरा खुद का है कॉलेज, तो इसको मैं खुद ही बोलूंगा कि अपग्रेड करने के लिए, तो ये काफी अच्छा कॉलेज है। ओके, अगर आप बात करते हो कि नालंदा और छपरा के बाद अगर कोई कॉलेज सबसे पहला प्रीफर करे तो वो सुपौल आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा आपका कॉलेज डिटेल। हाँ, एक और चीज कि MIT, भागलपुर, बख्तियारपुर, गया, मोतिहारी और नालंदा और छपरा, इन सभी में आपको ओपन थिएटर नहीं मिलने वाले, और बाकी जो न्यू कैंपस बने हैं उसमें आपको ओपन थिएटर मिलेगा। ओपन थिएटर मतलब वो होता है ना, ओपन शो जिसको स्टेज शो बोलते हैं, वो हो सकता है, मतलब ये नहीं क्लोज रूम में कोई ऑडिटोरियम है, ऑडिटोरियम है उसमें जाके आप करते हो, वो नहीं, यहाँ पे ओपन थिएटर है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, और खुद का कैंपस है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच।